आप उस राहुल गांधी जी तो आज भी उल्टा सीधा, कल भी आपने देखा होगा एक लेख उन्होंने लिखा है, उस लेख में कहा कि राजे महाराजे तो रिश्वत लेके अंग्रेजों का साथ दिया, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया। अरे महापुरुष, कम से कम इतिहास को पढ़ लिया होगा। राजा महाराजाओं ने बहुत कुछ दिया। जब भारत का एकीकरण हुआ उस समय जो उनका बहुत बड़ा योगदान था उसको शायद वो राहुल गांधी ने पढ़ा नहीं है, जानते नहीं है। तो मैं जो आपको बोलना चाहूंगी, थोड़ा तथ्यों की जानकारी तो कर लीजिए, हिस्ट्री की नॉलेज तो अपनी थोड़ी सी अच्छी कर लीजिए। आपको कुछ जानकारी नहीं है, सिर्फ जातियों को तोड़ो, सब एक ही समाज में लड़ाइयां कराओ, ये सब चीजें ही करते हैं ये और इनकी पार्टी। इनकी बहकावे में मत आना, ये तो समाज को भी तोड़ना चाहते हैं, जातियों में भी लड़ाइयां करवाना चाहते हैं। तो ये ऐसी पार्टी और ऐसे नेता, इनका तो बहिष्कार करना चाहिए आपको पूर्ण रूप से। और जिसने महिला आरक्षण बिल पे अच्छी खासी लंबी चौड़ी बहस की, ऐसी पार्टी को तो अपने घर तक भी अगर वोट मांगने आए ना तो आप वहीं से रवाना कर देना इनको। इनका हक नहीं है आपसे वोट लेने का, इन्होंने आपके अधिकार के बारे में नहीं सोचा, वोट लेने किस मुंह से आ गए आपके पास। ठीक है, तो मेरी बात आप सब समझ गए होंगे। और आप सबको मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सब मिलकर 13 तारीख को जाके वोट जरूर डालिए। घर में काम तो होते रहते हैं, शादियां भी होती रहती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है जो 5 साल में एक बार आता है, वो है वोट डालने का। और वोट आप जरूर लीजिए, कमर के फूल के बटन को दबाएं।